नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको अष्टमी नवमी के लिए ग्रेवी वाला काले चने का प्रसाद बनाना सिखाएंगे। इस प्रसाद को आप एक बार जरूर ट्राई करिए, यह तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। काले चने का प्रसाद बनाने के लिए मैंने लिया है काला चना, इसको ओवरनाइट सोक कर लिया है। एक टमाटर को पीस कर पेस्ट बना लिया है, दो हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक को ग्रेट कर लिया है, आधा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, सेंधा नमक, देसी घी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। तो चलिए ग्रेवी वाला काले चने का प्रसाद बनाते हैं। अब हम एक कुकर चढ़ाएंगे और उसमें डाल देंगे ये चना, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच सेंधा नमक, और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 2-3 सीटी आने तक इस चने को बॉयल कर लेंगे। कुकर में 3 सीटी लग चुका है। अब हम कुकर को हटा देते हैं और इस गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई, और अब इस चने को बनाएंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, और घी को गर्म हो जाने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, एक तेजपत्ता, और ये ग्रेट किया हुआ अदरक। अब इसको सिर्फ 1 मिनट भून लेंगे। अब हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी भून लिया है। अब हम डाल देंगे ये टमाटर का पेस्ट, अब हम इस टमाटर के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे। अब हम टमाटर के साथ डाल देंगे कुछ मसाले, तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाला है, और ये आधा चम्मच गरम मसाला। अब डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, चने को बॉयल करते समय भी नमक डाला था इसलिए नमक थोड़ा ही डालेंगे, और सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से पकाएंगे। मसालों को अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं मसालों से तेल अच्छे से आने लगा है। अब हम इस कुकर का प्रेशर निकाल कर और इस चने को इसमें डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब हम इसको इसी तरीके से बस 5 मिनट पकने देंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। काले चने को ढककर 5 मिनट पका लिया है, आप देख सकते हैं चना हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में बहुत आसान तरीके से काले चने का ग्रेवी वाला प्रसाद बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए आप भी इसी तरह से काले चने को बनाइए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।